हेलो गाइस, सो यार कैसे हैं सभी लोग। एंड दिस वीडियो रिगार्डिंग द CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म। एंड बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि भैया PG के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं, हमें MTech करना है, हमें PhD करनी है, हमें MSc करनी है इन अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जस्ट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड राजस्थान। सो इसके लिए क्या सीन रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। सर जनरली अगर अपन देखें वैसे UG के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है सारे देश के अंदर। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी के सारी जो है एक ही एग्ज़ाम लेगी, जो कि आपको पता है CUET का एग्ज़ाम है। अब दूसरा कंसर्न है कि भैया क्या जो CUET का एग्ज़ाम ही क्या PG का लेगा सेम टू सेम। चेयर ऐसा हो भी सकता है और ना भी, क्योंकि कुछ जो यूनिवर्सिटीज है जस्ट लाइक, एक बात मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर देता हूँ, जो भी यूनिवर्सिटीज जस्ट लाइक अदर स्टेट में जैसे राजस्थान में है, बिहार में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, ये जो कॉलेजेज हैं ये सारे के सारे अपना एक ही कराने वाले हैं। अदर देन अगर अपन वैसे देखें जैसे जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और जस्ट जो भी है दिल्ली वगैरह के अंदर, वो अपना खुद का सेपरेट ले सकते हैं, गेट के थ्रू ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर है उन्होंने अपना सेपरेट रिलीज भी कर दिया है, अपना खुद का सेपरेट PG एप्लीकेशन फॉर्म। सो जस्ट अगर अपन वैसे देखें सारी का जो कि अदर स्टेट में जैसे राजस्थान, बिहार, गुजरात, पंजाब, तो ये जो है ये अपना एक ही कराएंगे, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स के लिए सब कंफर्टेबल नहीं होता। और जस्ट जो दिल्ली के जो कॉलेजेस थे वो इतने साल ही अपना सेपरेट करा रहे थे, तो उनके लिए पॉसिबल है कि वो सेपरेट करा सकते हैं, बिकॉज उनके पास एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जस्ट आप जो है ये जो पंजाब है, राजस्थान है, इनका मान के चल सकते हो एक ही होने के पूरे पूरे चांसेस है। और जो भी दिल्ली वगैरह के कॉलेजेस है उनका जस्ट देखते हैं सेपरेट वीडियो, जो भी इनकी नोटिफिकेशन आती है वेबसाइट पे, CUET की वेबसाइट पे, अदर जो भी कोई अपडेट होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आई विल गिव यू, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस। और जस्ट एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, उसके बिना एडमिशन नहीं मिल सकता, ठीक है। थैंक यू। पटियाला एयरबेस दिखाता हूँ आपको मैं, एंड जस्ट लाइक एरोप्लेन तो उड़ता ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो यार ये एयरबेस है जहाँ पे जो है आर्मी ही आर्मी रहती है पूरी की पूरी, एटलीस्ट बहुत लंबी। और यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल लगाए भी गए हैं, जहाँ पे हर समय तैनात रहती है इंडियन आर्मी। ये गुफा से बनी हुई है। एरोप्लेन देखो ऊपर आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो, और यहाँ पे एयरबेस के ऊपर उतरने वाला है। ये लाइटें चमक रही है, मेरे को कुछ दिख रहा है, आई होप आपको भी कुछ दिख रहा होगा। जैसे कि मैं कैमरा शो करता हूँ, ये रहा, देखने की कोशिश करो कुछ दिखता है क्या। तो बहुत लंबा है यार इंडियन आर्मी का, बहुत ख़तरनाक सीन है। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचना मना है, लेकिन मैं चोरी छुपे खींच रहा हूँ। देखो एरोप्लेन आ रहा है, आ रहा है, यस आ गया। देखो पेड़ में डलेगा क्या, गुड।